11वीं में राजनीति विज्ञान में हम जो हमारा पाठ चल रहा था अध्याय 3 समानता, उसका भाग 2 हमने अभी समानता के बारे में पूर्व में देखा था, समानता के प्रकार देखे थे। अब हम उसी का आगे देखेंगे कि क्या स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे में क्या संबंध है। समानता, कुछ बोलते हैं समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, कुछ लोग कहते हैं स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम दोनों धारणाओं के बारे में यहाँ पढ़ेंगे। तो विरोधी हैं, विरोधी नहीं हो सकते, क्योंकि हम स्वतंत्रता से ही, हमें समानता से ही स्वतंत्रता का अधिकार होता है, और समानता ही स्वतंत्रता की रक्षा हेतु क्या है, अनिवार्य है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न विद्वानों ने, जैसे डी टॉकविल और लॉर्ड एक्टन ने बताया कि समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के क्या हैं, विरोधी हैं, इन और ये शत्रुता है दोनों की। तो समानता की जो अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशाओं पर पानी फेर दिया, मतलब ये विरोधी वाले तथ्य दे रहे हैं, लॉर्ड एक्टन ने लिखा हुआ है। तो यदि स्वतंत्रता होगी तो समानता नहीं होगी, समानता होगी तो स्वतंत्रता नहीं होगी, ऐसा नहीं है, जबकि समानता ही स्वतंत्रता की क्या है, आधारशिला है। यदि हम सभी को समान देखें, समान व्यवहार करें, तो ये भी गलत होगा। कुछ व्यक्ति बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, और यदि उनको जो थोड़ा सा कमजोर हैं, जिनमें बुद्धि थोड़ा कम है, यदि हम उनसे तुलना करें, उन समान व्यवहार करें, तो उससे क्या होगा कि उन्हें अपनी योग चतुर और प्रतिभाशाली, अपना विकास होने का उनको अवसर नहीं मिलेगा। तो हम देखते हैं, देखा कि ये एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन अब हम देखते हैं समानता और स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं, और ये सही भी है। तो इसके जो समर्थक थे, रूसो, टॉनी, लास्की, मैकाइवर, पोलार्ड, इन सब ने बताया कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या है, विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों को एक दूसरे की क्या है, आवश्यकता है। समानता में आर्थिक समानता का विशेष महत्व है, आर्थिक असमानता में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं होता। व्यक्ति पहले अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को क्या करता है, देखता है। बहुत ही अच्छा बोल इंदिरा गांधी जी ने इसके बारे में बहुत ही अच्छा बताया कि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी। तो आर्थिक स्वतंत्रता समानता एक ऐसा साधन है जिससे हम राजनीतिक स्वतंत्रता का सही रूप से उपयोग कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं है, दोनों में संबंध है, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। क्योंकि जब व्यक्ति एक समान होंगे तो वे स्वतंत्रता का उपयोग कर सकेंगे, और स्वतंत्र होंगे और एक समान रहने की उनमें भावना से क्या होंगे, प्रेरित हैं, तो हम स्वतंत्रता और समानता में समन्वय होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, देखिए, जब तक आप समानता और स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण विचारों में संतुलन स्थापित नहीं करते हैं, जब तक दोनों पर संतुलित स्थापित करने के लिए उचित मर्यादाएं नहीं लगाते हैं, आज की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो हमें स्वतंत्रता और समानता दोनों को देखना है, और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, विरोधी नहीं है, एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, और इनमें आपस में अच्छा संबंध होना चाहिए। अब हमारा अगला टॉपिक है, हम समानता को बढ़ावा कैसे दें। आपने देखा कि आरक्षण दिया गया, कि पूर्व में जो जातियां पिछड़ गई थी तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको समान स्तर पर लाने के लिए जगह समय समय पर उनको आरक्षण दिया जाता है, अल्पसंख्यक वर्गों को दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है, महिलाएं जो शुरू में पिछड़ गई थी अब उनको समानता के स्तर पर लाने के लिए उनको भी
आरक्षण जैसी सुविधाएं दी जाती हैं चुनाव के क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में। तो विशेषाधिकारों, कोई भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार न दिए जाएं, ये भी समानता के लिए द्योतक है। समानता के द्वारा समाज में समरसता बनाए रखना, उन्नति और विकास के समान अवसर देना, कानून के समक्ष समानता, आधारभूत जो हम करते हैं उनको पूरा करना, गरीब और अमीर में अंतर कम करना, कानून का समान संरक्षण तो वैसे सभी को प्राप्त है, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समानता की व्यवस्था। समानता को बढ़ाने के लिए कुछ हम सकारात्मक कार्रवाई भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, विधानमंडल में आरक्षण की व्यवस्था, नौकरी में आरक्षण, शैक्षणिक सुविधाओं में आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। तो इस प्रकार भारत में और भी कई देश हैं, उनमें इस प्रकार सकारात्मक बातें बताई जा रही हैं और वो कार्रवाई करके हम उनके मतलब उनको समानता, उनको समाज के सभी वर्गों के समान लेवल पर लाते हैं और यह भेदभाव मिटाने के बजाय उल्टा उन्हें बढ़ावा देती हैं। कई बार क्या होता है कि आरक्षण शैक्षणिक में लोगों के, छात्रों के मन में क्या रहता है, इसका गलत प्रभाव भी पड़ता है। कभी-कभी योग्यता का महत्व नहीं रह जाता है। अब हम पढ़ेंगे समानता का महत्व। तो ये 7 पॉइंट हैं समानता के महत्व। शोषण का अंत होना चाहिए, कोई भी एक वर्ग ऐसा ना हो कि उसका शोषण किया जाए, सामाजिक वर्ग में, या निर्धनों को धनवानों के शोषण से भी बचाना चाहिए। फिर है समानता मानव विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। जितनी भी यदि समाज में असमानताएं हैं वो मानव के विकास में क्या होंगी, रुकावट डालेंगी। तो हमें समाज में रहते हुए समानता के कारण ही कोई व्यक्ति अपना समुचित विकास कर सकता है। तीसरा है स्वतंत्रता के लिए आवश्यक। स्वतंत्रता और समानता अभी आपने देखा एक दूसरे के पूरक हैं। तो मानव में दोनों का होना आवश्यक है। आर्थिक समानता होने पर ही व्यक्ति राजनीतिक स्वतंत्रता को अच्छे से पालन कर सकता है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाएगी, ये कथन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बताया। फिर अगला पॉइंट है समानता का जो महत्व है, न्याय के लिए आवश्यक। यदि समानता नहीं होगी तो हमें उचित न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना है कि समान न्याय के लिए समानता बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि उचित न्याय व्यवस्था होने से समाज बहुत सुरक्षित रह सकता है। फिर है प्रजातंत्र का आधार। हमारा देश में गणतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है उसमें समानता बहुत आवश्यक है। नहीं तो प्रजातंत्र के लिए स्वतंत्रता के साथ साथ समानता होना भी क्या है, बहुत आवश्यक है। आर्थिक व सामाजिक भेदभाव का अंत। प्राचीन काल में भारतीय समाज में जो 4 वर्णों की व्यवस्था थी उसमें जो भेदभाव किया था, तो हम समानता के आधार पर हम उस भेदभाव को अब समाप्त कर सकते हैं। और संविधान में लिखा ही है कि धर्म, वंश, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर हमें किसी से भेदभाव नहीं करना है। फिर है समाज कल्याण में वृद्धि, क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है तो समाज में रहते हुए समानता का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। आप इसमें देख सकते हो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। समानता का आप महत्व बताइए। धन्यवाद।